तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश है यूरो मॉडल के अंदर आता है और आयरिस सागर के ऊपर एक द्वीप राष्ट्र देश का नाम जो है आइल ऑफ मैन। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है आइल ऑफ मैन। तो दोस्तों चलिए आइल ऑफ मैन की जो है नेशनल फ्लैग हम देखते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, आइल ऑफ मैन की जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों, आइल ऑफ मैन से इंडिया की दूरी कितनी है और आइल ऑफ मैन के अंदर जो अपराध होता है वो यूके से टक्कर देने वाला है अपराध। और ये देश जो है नाटो और यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है। आइल ऑफ मैन को बहुत सारा लोग कहता है ये जो है यूके का एक हिस्सा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये यूके का हिस्सा नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको बताऊँगा। और आइल ऑफ मैन के अंदर जो है 5 ऐसा इमरजेंसी सेवा इस देश के जनता के लिए दिया जाता है। वो 5 इमरजेंसी सेवा कौन कौन सा है और एकमात्र यहाँ पर एयरपोर्ट मौजूद है। मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों इस चैनल में पहली बार चुनाव सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जब करना सबको ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको गूगल मैप की मदद से पूल HD और बस स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूँगा असल पर आइल ऑफ मैन दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों, इंडिया से जो है आइल ऑफ मैन की दूरी अगर हम देखें तो दोस्तों 7,740 किलोमीटर। हाँ दोस्तों, 7,740 किलोमीटर जो है आइल ऑफ मैन इंडिया से दूरी। तो दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, यूनाइटेड किंगडम और यहाँ पर आयरलैंड के बिल्कुल बीचों बीच एक आइसलैंड आपको नजर में आ जाएंगे, जो आइसलैंड का नाम जो है आइल ऑफ मैन एक राष्ट्र है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों चलिए, ये जो आइल ऑफ मैन आपको नजर में आ रहा है, इसका जो राजधानी और सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है डॉगलास। हाँ दोस्तों, डॉगलास जो है राजधानी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों हाँ, ये जो है पोर्ट सिटी जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता है आइल ऑफ मैन की, आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो है राजधानी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा, हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, आइल ऑफ मैन की अगर हम आयतन या एरिया की बात करें तो दोस्तों 574 वर्ग किलोमीटर ये देश की जो है टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों, अगर हम भाषा की बात करें, यहाँ पर जो है इंग्लिश और मांग्स भाषा यहाँ पर बोली जाती है। और धर्म की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर क्रिश्चियन जो है सबसे ज़्यादा रहता है। ये देश जो है क्रिश्चियन समूह एक देश है, जहाँ पर 54.7% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। इस्लाम जो रहता है 0.5%, बौद्ध जो रहता है 0.5%, और यहाँ पर हिंदू जो रहता है 0.3%। तो दोस्तों, मौजूदा आइल ऑफ मैन की जो राजा है वो यूके की भी राजा है, जो चार्ल्स 3। तो दोस्तों, आप एक एक हिस्सा में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ गूगल मैप की मदद से पूल HD और बड़े स्क्रीन पर। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा एक जो है आपको प्लेग्राउंड आपको नजर में आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर पॉपुलर अगर हम गेम्स की बात करें तो दोस्तों रूग्बी, फुटबॉल, नेटबॉल, क्रिकेट, बहुत सारा गेम्स जो है यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर, क्योंकि ये देश के अंदर जो है कुछ छोटे छोटे टीम है जो नेशनल और इंटरनेशनल खेल में जो है भाग लेता है। क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स, आयरलैंड गेम्स, इसके अलावा यहाँ पर कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में जो है भाग लेता है और इतिहास में जो है बहुत सारा पदक भी जीता है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो है रेलवे आपको नजर में आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये देश की जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसका नाम जो है सर जॉन लैरिमर, और ये देश के चीफ मिनिस्टर, उसका नाम जो है अल्फ्रेड कैनन। आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा, जो एग्रीकल्चर होता है जिस जगह पर, वो इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एक इंटरनेशनल या नेशनल एयरपोर्ट है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक एयरपोर्ट है जो एयरपोर्ट नेशनल आपको लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो है इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ पर आता है। तो दोस्तों, वो एयरपोर्ट का नाम जो है आइल ऑफ मैन एयरपोर्ट। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊँ, लेकिन उससे पहले एक एक हिस्सा देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो रनवे आपको नजर में आ जाएंगे, जो रनवे आइल ऑफ मैन एयरपोर्ट की रनवे, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, कारण से क्या अगर हम बात करें तो दोस्तों, कारण से जो है मैनक्स पाउंड या पाउंड स्टर्लिंग GBP। तो दोस्तों, व्हाइट ऑफ मैन जो ब्रिटेन का एक जगह है जो इंग्लिश चैनल के करीब स्थित है, वो जो व्हाइट ऑफ मैन और आइल ऑफ मैन की जो है कह सकते हो नाम बहुत ही मिलता जुलता है, लेकिन बहुत सारा लोग जो है इसमें गड़बड़ी कर बैठता है। तो दोस्तों, आइल ऑफ मैन ये जो है एक द्वीप राष्ट्र है और व्हाइट ऑफ मैन ये जो है ब्रिटेन का एक जगह है जो नाम मिलता जुलता है, लेकिन ये जो है इंग्लिश चैनल के करीब जो है ये जगह स्थित है। तो दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा, हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, आइल ऑफ मैन जो है अलग से फॉरेन रिलेशन रख सकता है और इसको डिफेंस करता है यूके की जो है कह सकते हो आर्मी। तो दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों, बहुत सारा लोग कह सकता है ये जो है नाटो और यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, लेकिन मैं आपको बताऊँ यूरोपीय यूनियन और नाटो का सदस्य नहीं है। और यहाँ पर जो है एक चीज़ को इलीगल किया गया है 1992 में, क्योंकि वो चीज़ जो है साम सेक्सुअल एक्टिविटी यहाँ पर जो नहीं चलेगा और ये जो है यहाँ पर इलीगल है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, छोटा सा पोर्ट सिटी में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हाँ, ये जो है आइल ऑफ मैन की अपोजिट साइड में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिएगा, जो पश्चिम की तरफ ये जगह स्थित है। देखा, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये एक अपराध चलता है जो अपराध ब्रिटेन को भी टक्कर देने वाला है अपराध। तो दोस्तों, अपराध क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो है कह सकते हो ब्लैक मार्केट में जो है यहाँ पर
यहाँ पर इलीगल मेडिसिन को यहाँ पर बेचा जाता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर इलीगल मेडिसिन बहुत सारा होता है, आप जानते हो। तो दोस्तों यहाँ पर वो इलीगल मेडिसिन जो यहाँ पर बेचा जाता है, जो ब्लैक मार्केट से, जो यूके की भी जो है यहाँ पर टक्कर देता है। तो दोस्तों चलिए, आइल ऑफ मैन की जो है नेशनल एंथम, पॉपुलेशन इंडियन कितने रहते हैं, और यहाँ पर जीडीपी हम देख लेते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा आई लव मैन की जो है नेशनल एंथम यहाँ पर लिख गया हूँ, और आई लव मैन की जो है यहाँ पर आदर्श वाक्य लैटिन और यहाँ पर इंग्लिश भाषा में यहाँ पर लिख गया हूँ। तो दोस्तों आई लव मैन की जो है ऑफिशियल नाम वो यहाँ पर लिख गया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, जहाँ पर मांग्स भाषा में यहाँ पर लिख गया हूँ। कैपिटल और सबसे बड़ा शहर, राजधानी डॉगलास आपको नजर में आ जाएंगे। और ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हम देखें तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और मांग्स। इसके अलावा धर्म की बात करते हो, ये देश है क्रिश्चियन सुमेक देश है, 54.7% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। आप ध्यान से देख लीजिए जो राजा है, हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, चार्ल्स थ्री आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है और भी सरकारी पद में रहने वाले इंसान का नाम यहाँ पर लिख गया हूँ। पानी की बात करते हो, 1% टोटल जीडीपी देख लीजिए, 7.49 बिलियन इस देश की जो है टोटल जीडीपी। करेंसी अगर हम बात करें तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, जीबीपी ये देश की जो है करेंसी। यहाँ पर देख लीजिए, ड्राइविंग साइट आपको नजर में आ जाएंगे लेफ्ट, और कॉलिंग कोड आपको नजर में आ जाएंगे +44 ये देश की जो है कॉलिंग कोड। यहाँ पर पॉपुलेशन देख लीजिए, 85,000 यहाँ पर जो है टोटल पॉपुलेशन, और इंडियन जो रहता है ज़्यादा आपको नजर में आ जाएंगे यहाँ पर जो इंडियन रहता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा, तो दोस्तों ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी यूरोप के अंदर आई लव मैन कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों ये देश के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जगह का इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक करके वो इमेज दिखा रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इमरजेंसी सेवा जो है इस देश की कुछ जनता के लिए जो है दिया जाता है। तो दोस्तों हर जनता के लिए जो जो इमरजेंसी सेवा दिया जाता है, वो 5 इमरजेंसी सेवा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर पुलिस है, कोस्ट गार्ड है, फायर एंड रेस्क्यू सर्विस है, एम्बुलेंस सर्विस है, सिविल डिफेंस कोर्प्स यहाँ पर मौजूद है, जो इमरजेंसी सेवा में यहाँ पर एक्टिव रहता है। आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक छोटे छोटे आइसलैंड भी आपको यहाँ पर नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक ही एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के बाहर की इमेज मैं आपको दिखा दिया हूँ। हाँ दोस्तों, जो एयरपोर्ट का नाम है आइल ऑफ मैन एयरपोर्ट। दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, कुछ ऐतिहासिक धरोहर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ की एक स्पेस स्टेशन है, जो गूगल भी जो है उसके अंदर योगदान किया है। तो दोस्तों जो पासपोर्ट वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पास से लेगा आइल ऑफ मैन के जो पासपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे। ये जो है सैटेलाइट इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, ये मैप भी आपको नजर में आ जाएंगे। देखा, हाँ दोस्तों ये मैप भी आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो कल्चर चलता है, वो जो है ब्रिटेन की जो जो कल्चर चलता है यहाँ पर वही कल्चर चलता है। उसके बाद जो है आयरलैंड के अंदर जो जो कल्चर चलता है यहाँ पर भी कल्चर वही चलता है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैं आपको एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जो सैटेलाइट की मदद से लिया गया है एक कुछ इमेज, और लाल हिस्से का जो नजर आएंगे आपको, ये सब कुछ जो इतिहास में ये जगह का था। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको बात चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये जगह की जो है एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का नाम जो है आइल ऑफ मैन एयरपोर्ट, उसका भी लोगो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखा, हाँ दोस्तों, 0 से 14 साल की जो है यहाँ पर इंसान रहता है वो जो है 60%, जहाँ पर पुरुष रहता है 7,000 और महिला रहता है 7,000। तो दोस्तों आप एक एक हिस्सा देख लीजिए, मैं आपको दिखा भी दिया हूँ, और यहाँ किसी सरकारी पद में रहने वाले कुछ इंसान उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, सर जॉन लैरिमर और चीफ मिनिस्टर एल्ड्रेथ कानन, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पास चलेगा। देखा, तो दोस्तों 15 से 24 साल की यहाँ पर जो है इंसान रहता है 11.3%, जहाँ पर पुरुष रहता है 5,300 और महिला रहता है 4,700। तो दोस्तों यहाँ की जो इंसान, हाँ दोस्तों, यहाँ की जो इंसान इस जगह पर रहता है 49.6%, इसके लिए यहाँ पर 38.3% यहाँ पर यूके के इंसान रहता है, और यहाँ पर 12.1% यहाँ पर अलग देश के इंसान यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ, यूरोप महादेश के अंदर स्थित है, और आयरिश सागर के अंदर एक द्वीप राष्ट्र और देश का नाम जो है आइल ऑफ मैन के संपर्कित सब कुछ, और भी देश के संपर्कित अगर आपको जाना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बिल कर सकते हो कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो।